शाम को मैं यूट्यूब फैमिली के यहाँ आप सबका उम्मीद करती हूँ फिर अच्छे होंगे। मैं अपनी बहुत ही खूबसूरत सुपर से ब्लाउज के डिज़ाइन लिख रही हूँ डिफरेंट डिज़ाइन और डिफरेंट पैटर्न्स के साथ हैं, इंशाल्लाह आपको जरूर पसंद आएगी। तो वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो फर्स्टली आपसे एक क्वेश्चन है, इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो फर्स्टली आपसे एक क्वेश्चन, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। सब्सक्रिप्शन के बाद बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो जो भी मैंने अपलोड करूंगी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप स्क्रीन पर आएगा। अगर आप मेरी वीडियोस को लाइक करें तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताएं हमारी वीडियोस आपको कैसी लगती हैं। उम्मीद है आपको तमाम करने का प्लीज जरूर पसंद आती होंगी। जैसे कि आप यहाँ स्क्रीन पर देख रहे हैं बहुत ही खूबसूरत आइडियाज़ हैं ब्लाउज से रिलेट। तो अगर आप क्रोशेट नीटिंग वर्क जानते हैं तो आपके लिए बहुत ही सिंपल और ईजी होगा, आप यहाँ से देख कर न्यू पैटर्न्स के साथ अपने लिए खूबसूरत से क्रोशेट ब्लाउज तैयार कर सकते हैं। और अगर आप क्रोशेट नीटिंग नहीं जानते तो आप किसी को भी स्क्रीनशॉट दिखा के जिन्हें क्रोशेट नीटिंग वर्क आता हो उसको दिखा कर अपने लिए खूबसूरत से क्रोशेट ब्लाउज तैयार करवा सकते हैं। ये मोस्टली पैंटीज के साथ, शॉर्ट्स के साथ और स्कर्ट्स के साथ खूबसूरत लगते हैं, तो आप उनके साथ भी वेयर कर सकते हैं। अगर जीन्स के साथ पहनना चाहें तो भी खूबसूरत लगें। ट्रेंडिंग अपडेट्स में मोस्टली क्रोशेट नीटिंग वर्क में ब्लाउजेस ही आ रहे हैं, तो आप यहाँ से देख के अपने लिए खूबसूरत से ब्लाउज सेलेक्ट कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। ये हैंडमेड थिंग्स मार्केट से बहुत कम मिलती हैं, तो आप इन्हें खुद से तैयार करवा सकते हैं। हम अपनी वीडियोस को किस तरह बेहतर कर सकते हैं उससे रिलेटेड आइडियाज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि हम अपनी वीडियोस को मज़ीद बेहतर कर सकें, आपकी मर्ज़ी के मुताबिक तैयार कर सकें। वीडियो को एंड तक देखने का बहुत शुक्रिया। दुआ में बहुत याद रखिएगा, फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में लेटेस्ट अपडेट्स के साथ, तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।